कब कैसे 7 दिन का कर्फ्यू? हे भगवान, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा। जब दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग सीख ही रही थी, तब ये महाशय इस मुसीबत को अपना क्वारंटाइन पार्टनर बनाकर अपने घर ले आए और फिर शुरू होता एक मजेदार कारनामा जो अब इनके साथ होगा। नमस्ते कॉन्ट्रैक्टर साहब। अरे हमें तो बताना नहीं था ना कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम तो वही बोल रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? अरे हाँ, हम हैं कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन ये बात बतानी नहीं थी ना कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। कब खत्म होगा तुम्हारा ये काम? सर इस बार मैं बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ रियल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, 2 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें काम के लिए। चूहा मारने का 2 लाख? भाई उसके घर में होंगे बहुत सारे चूहे, बड़ा घर होगा। नाम क्या जरा? स्माइल। मैं नाम पूछा, दांत क्यों दिखा रहा है? साहब उनका नाम ही इस्माइल खान है। जिसका फोटो भेजूंगा वही विक्टिम को मारना है। विक्टिम कौन सा जानवर होता है? विक्टिम माने इंसान। तभी मैं सोचू चूहे का कौन देगा 2 लाख? गए 2 लाख रुपए। कायदे से हम बताएं, ये 2 लाख अभी भी अपने हाथ से नहीं गए हैं। तुम पहले चूहा मार रहे थे, अब तुम्हें आदमी मानना है? क्या अंतर है? चूहा क्या इंसान नहीं होता? चूहे में क्या जान नहीं होती है? दो लाख इंतजार कर रहे हैं। कोई भी किसी आदमी को कैसे मार सकता है? इतना बड़ा पत्थर उसके ऊपर पटक दीजिए, फटाक से मारिए उसको, चाय में जहर मिला दीजिए। अरे घसीट घसीट के मारते हैं, खुले आम मारते हैं। आप सच सच बताइए, आप हैं कौन? देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर साहब ने चूहे मारने वाले। अच्छा। 2 लाख मिले कि नहीं मिले? किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना है। प्रोफेसर को मारना था। अरे क्वारंटाइन करा इसको, पूरे गांव में कोरोना फैलाएगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास ना करें।